ऐसे में उन माँ बेटी का क्या कसूर था कि जो जलती रही और बाहर हमारी देश की पुलिस, हमारे प्रदेश की पुलिस खड़ा होकर के तमाशबीन बनी हुई थी। और उसमें गिरफ्तार किसको किया गया? गिरफ्तार किया जा रहा है जेसीबी के ड्राइवर को। गिरफ्तार कौन होगा? मुकदमा किसके खिलाफ लिखा जाएगा? लेखपाल कानूनगो के खिलाफ। देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के एक चौराहे पे मौजूद है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता नित्यानंद त्रिपाठी जी हैं। हालांकि एक उत्तर प्रदेश में एक माहौल बन गया है, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर तो अब खूनी हो गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वही लोग कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर खूनी ना था और ना ही हुआ है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं और उसमें वो ब्राह्मण हैं और जिनका घर ढहा गया है, जो कानपुर देहात में इन्हीं जात से बिलोंग करते हैं, क्या नाम है आपका, थोड़ा बता दें। नमस्कार, सबसे पहले मेरा नाम नित्यानंद त्रिपाठी है जी। और जो जातियों में बांध रहे हैं, हम जातीय जामवंत, ये जातीय जामवंत जो राजनीति ने पैदा किया है, उन जातियों में हम नहीं आते। अच्छा। हम समाजवादी हैं। लोहिया का जो विचार है वो जाति तोड़ो समाज जोड़ो का है। ये राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए जातियों में जामवंत पैदा की हैं। अच्छा। और वो जामवंत तो जातियों के ठेकेदार हैं। अच्छा। जो वो ठेकेदारी चला रहे हैं। अच्छा, अच्छा, जो कानपुर देहात जैसे विषय पर आप अगर हमसे उससे उनकी जात से हमको जोड़ रहे हैं, देखिए अमीरों की जात एक है। अच्छा। गरीबों की जात एक है। वो जो गरीब जिनके घर ढहाए गए और लगातार जो लगातार घर ढहाए जा रहे हैं। अच्छा। और ये नौकरशाही और ये सरकार मिल करके ये जो ये दोनों का आपसी सामंजस्य बना करके ये जो खूनी खेल खेल रहे हैं। अच्छा। इनको ये पता नहीं है कि जिसके पास सर ढकने की जगह नहीं है, बहुत सारी जमीनें बड़े बड़े लोगों ने एक्वायर कर रखा है, लेकिन नहीं, गरीब की झोपड़ी सलामत न बचने पाए इसका भरपूर ये सरकार, योगी की सरकार। इस सरकार में भी अगर आप देखिए तो धार्मिक लफंगे भी बहुत पैदा हो गए। धार्मिक लफंगाई इतनी बढ़ गई है कि अपने अपने तरह से धर्म को लोग डिफिनेशन कर रहे हैं। और धार्मिक आधार पर सरकार चलाना, धार्मिक आधार पर पार्टियों का गठन कर लेना, धार्मिक आधार पर लोगों का उत्पीड़न करना, ये लगातार ये सरकार का एक जो देखा जाए तो ये मुखौटा है। अच्छा। और सरकार ये हमेशा से तिलिस्माई खेल खेल रही है। अच्छा, नहीं, और उसी के तहत ग्राम सभा की जमीन अगर खाली करानी है तो बहुत सारे लोगों को ग्राम सभाएं जमीन देती हैं। अगर उस उन लोगों के पास जमीन नहीं थी तो उनको एक दो घिसमिल जमीन दे देती। ऐसे में उन माँ बेटी का क्या कसूर था कि जो जलती रही और बाहर हमारी देश की पुलिस, हमारे प्रदेश की पुलिस खड़ा होकर के तमाशबीन बनी हुई थी। और उसमें गिरफ्तार किसको किया गया? गिरफ्तार किया जा रहा है जेसीबी के ड्राइवर को। गिरफ्तार कौन होगा? मुकदमा किसके खिलाफ लिखा जाएगा? लेखपाल कानूनगो के खिलाफ। एसडीएम, जबकि वो जुडिशियली पावर उसके पास जो अधिकार है, सबसे पहले तो वहाँ गिरफ्तारी मुकदमा एसडीएम पर लिखना चाहिए, मुकदमा सीओ के खिलाफ होना चाहिए, मुकदमा वहाँ के एसपी पर होना चाहिए, कलेक्टर पर होना चाहिए, यहाँ के मुख्यमंत्री पर होना चाहिए, तो डीजीपी पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, वो बस नीचे उलझा करके, गरीब मरा है ना तो गरीब को फंसा लो। अच्छा, नहीं तो डिप्टी सीएम तो बात की है ना उनके घर वालों से, कहे कि ब्रिजेश पाठक जी कहे कि भाई आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को इंसाफ दिलाया जाएगा और दिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं वो। अरे डिप्टी सीएम का बैकग्राउंड चेक करो भाई। अच्छा। राजनीति में आए हुए डिप्टी सीएम को भी चेक कर लीजिए, उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे पता चल जाएगा। डिप्टी सीएम जिस मिजाज के हैं उसी मिजाज की सरकार है और उसी मिजाज के मुख्यमंत्री हैं, उसी मिजाज के पूरा यह प्रदेश हो गया है। लगभग तो इनके विधायक सांसद वही हैं। अच्छा। क्या लगभग है मतलब? लगभग वही है। अच्छा। जिस मिजाज के लोग हैं। अच्छा। तो जो अपना अपने मिजाज का खोजेंगे लोग। अच्छा। हम लोगों का तो मिजाज है नहीं वो। अच्छा। लोगों के तरक्की पसंद तो ये हो ही नहीं सकती। अच्छा। लोगों की तरक्की पसंद तो ये हो ही नहीं सकते। जन
कल्याणकारी योजनाएं बिना तरक्की और पसंद बिना जीत जा रहे हैं, कैसे जीत जा रहे हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी किया है क्या, तरक्की किया है? एक एक यहाँ जिला अस्पताल देवरिया का बंद करके और मेडिकल कॉलेज दिया, और वो भी मेडिकल कॉलेज कौन दिया? स्वशासी दिया। वो स्वशासी आज आप चले जाइए मेडिकल कॉलेज में, जो जिला अस्पताल की जो फैसिलिटी होती थी, अभी तो ये चुनाव उनाव की वजह से रुका हुआ है। जैसे मेडिकल कॉलेज चलते हैं वैसे चलने लगेगा। तो एक पट्टी के लिए भी जब आपको 15 रुपए या 25 रुपए या एक किसी भी रोग के लिए आप जाएंगे, तो जब उसकी पूरी प्रक्रिया ये जांच कंप्लीट करा लेंगे, उस जांच में 700-800-1000 रुपए आपसे ले लेंगे, तब एक ठो पैरासीटामॉल लिखेंगे। अच्छा। तब आपके समझ में आएगा कि ये मेडिकल कॉलेज होता क्या है। अच्छा। मेडिकल कॉलेज एक्चुअल में तो वो गंभीर रोगों के लिए है, जो जिला अस्पताल से ट्रांसफर हो मरीज, तो यहाँ जिला अस्पताल ही नहीं है, कहाँ से ट्रांसफर होंगे? आप सीधे सीधे वहां दवा कराने जाएंगे, आप जेल जाएंगे। अच्छा। आपके समझ में आएगा कि बुखार आपको कैसे हो गया। अच्छा। ये बुखार होने का बुखार निकाल लेंगे। अच्छा। तो तब ये बुखार की दवाई करेंगे। अभी आप क्यों परेशान है, देखते जाइए। पूंजीपतियों की सरकार है। अच्छा। बताया तो हमने कि दो बेचने वाले हैं, दो खरीदने वाले हैं। अच्छा। दोनों दुर्भाग्य से चारों गुजरात से। अच्छा। देखिए भाई, कह रहे हैं कि दो बेचने वाले हैं, दो खरीदार करने वाले हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी के हैं, शायद इसीलिए बोल रहे हैं। हमारे पास कोई पक्ष वाले विपक्ष वाले नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हों, लेकिन हाँ देखिए, एक पूरी तरह माहौल बन गया है बाबा का बुलडोजर। हालांकि विपक्षी कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर खूनी हो गया है, ये पहले ही विपक्षी कहा करते थे कि गरीब मजदूर किसानों पे बुलडोजर चलती है, बड़े लोगों पे नहीं चलती है। जैसे बता रहे हैं कि गरीबों का सिर्फ मकान ढहा जाता है, अमीरों का नहीं ढहा जाता है। हालांकि ये भी सामने आई कि बड़े बड़े गुंडे मवाली का भी ढहा गया, और जैसे विकास दुबे जैसे गैंगस्टर को मारा गया। अरे गैंगस्टर तो गैंगस्टर है, वो कोई गैंगस्टर हो, वो अपराधियों की कोई जाति होती है, आतंकवादियों की कोई जाति होती है। जो दूसरे का उत्पीड़न कर रहे हैं, वो उत्पीड़न करने वालों का एक अलग कैटेगरी है। अच्छा। तो विकास दुबे मारे जाएं, उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं, सबकी सबका वो होना चाहिए, लेकिन पता चलता है ये कि आप सरकार के जो पक्ष में है, जो मवाली जो लफंगे सरकार के पक्ष में है, उनका संरक्षण मिल जाता है, और जो थोड़ा सा विरोध में है, अब चूंकि मुख्तार अहमद वो राजनीतिक पार्टी से है और वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका तो दुर्दशा होना ही है। अभी हमारे रामपुर वाले थोड़ा सा इस पे रुक जाते हैं। अभी एक बात बताइए, जैसे अब थोड़ा सा इस पे बाइट ले लेते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम चल रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि अब ये पूरा देश हिंदुओं के लिए होगा, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, तो क्या इस पे प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? आप तो हिंदू है, ब्राह्मण है, आप तो बहुत ज्यादा मानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा आपने। तो ये क्या हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, तो इसमें क्या क्या बदल जाएगा? नहीं, ये तो हम नहीं कह रहे हैं भाई, राष्ट्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देश से संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान से ही ना देश चलेगा, चलेगा संविधान से। तो इस जो है, सभी लोगों का यहाँ अगर सम्मान है, अगर हमारे लोगों ने पुराने जो जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ करके आजादी ली, उन लोगों के संरक्षण में संविधान बना, तो वो संविधान अब गड़बड़ हो गया कि नए तरीके से एक राष्ट्र बनाएंगे, तो बना लीजिए, आपको जितना मन करे उतना बना लीजिए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, बना लीजिए, आप बना लीजिए। अच्छा। आपको रोका कौन है? हाँ। उनको रोका है कोई? हाँ। केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, बना ले। अच्छा। और क्या? अच्छा, लास्ट बातें, अब बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन लास्ट बाइट आपसे लेना चाहेंगे। अब जाते जाते ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि भाई जातिवाद को अब जिस तरफ बांटा गया, अब जोड़ देना चाहिए, अब सबके नाम से हिंदू लगाना चाहिए, ना कि किसी ब्राह्मण ठाकुर पंडित तेली ये सब नहीं लगाना चाहिए, इस पे क्या प्रतिक्रिया? तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो हिंदू लगाने से बढ़िया है कि भारतीय लगा लें। हिंदू क्यों लगाएंगे, भारतीय लगा ले, इंडियन लगा ले। अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है, जातियां टूटनी चाहिए, तो ये हिंदू ही क्यों लगाएंगे? तो उसके लिए इंडियंस लगा लें, भारतीय लगा लें, उसमें क्या रोक है? हाँ, चलिए सर।
देखिए भारतीय समाजवादी पार्टी के नेता नित्यानंद त्रिपाठी जी से हम देवरिया में बाइट ले रहे थे। हालांकि एक माहौल बन गया है कानपुर देहात में, जो पंडितों का घर ढहा गया है। कह रहे हैं कि भाई बहुत गरीब थे, मजदूर थे, काम करके कैसे भी घर पाला करते थे। उसमें एक दो बेटी, एक बेटी और एक महिला भी जल गई है। और पूरे यूपी में एक गर्म हो गई है माहौल, विपक्षी पूरी तरह हावी हो गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो पंडितों की विरोधी सरकार है, हालांकि पंडित कहते हैं कि हमारी सरकार है। लेकिन देखिए टीवी समाचार ऐसी विभाग खबरें दिखाता है जो किसी टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में नहीं दिखाई जाती है। टीवी समाचार को देखने के लिए यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पर जाकर @TVSamachar लिखें और वहां से सर्च करें, सब्सक्राइब करें, विभाग पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।